पड़ता, क्योंकि सच्चाई ये है कि धैर्य ने जिस लड़की से प्यार किया था वो हम है। शर्म कहेगी अब निकल। ये शादी का सीक्वेंस है जहाँ पे नागपंचमी के दिन सिंदूरी ने संतोषी को चैलेंज किया था कि वो ये प्रूफ कर देगी कि सिंदूरी ही संतोषी है और जो संतोषी है वो नकली लड़की है। और सिंदूरी काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि आज नागपंचमी के दिन नाग देवताओं की के आशीर्वाद के साथ वो आज का चैलेंज जीत जाएगी और धैर्य उसका हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। पर ऐसा ना हो पाया और सिंदूरी हार गई, संतोषी जीत गई। तो आज संतोषी और धैर्य की दोबारा शादी हुई है सारे रस्मों के साथ, इसलिए सिंदूरी बहुत अपसेट और हर्ट है। नहीं था बेसिकली, उसे झूठा साबित करने का प्लान था, क्योंकि सिंदूरी ये सोचती है कि वो संतोषी है और जो संतोषी है वो नकली लड़की है। तो वो बेसिकली धैर्य को इस नकली लड़की से बचाने की कोशिश कर रही है और धैर्य को ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुमने जिससे प्यार किया था वो मैं हूँ। तो वही है, पर संतोषी माँ की कृपा संतोषी पर ज़्यादा थी तो संतोषी जीत गई। यहाँ जब से आई हूँ तब से मैं धक्के ही खा रही हूँ मैं, क्योंकि हर सीन में जाके कहती हूँ कि मैं संतोषी हूँ, मैं संतोषी हूँ, और कोई विश्वास ही नहीं करेगा और लॉजिकली विश्वास नहीं करेगा कि संतोषी जैसे थोड़ी ना दिखती हूँ मैं एक अलग ही आइडेंटिटी हूँ। और धैर्य के सामने एकदम जाके खड़ी हो जाती हूँ, कहती हूँ कि मैं संतोषी हूँ, तो इसलिए हर सीन में मुझे धक्के खाने में। हम झूठ नहीं बोल रहे हीरो, तू हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहा? इस लड़की ने चोरी से सारी बातें पता लगाई है। अरे हम सच कह रहे हैं, इस लड़की ने हमारे साथ धोखा किया है। तो धैर्य लेके जाओ, पैर छुओ, नहीं पता चल रहा। वन मोर भाई, आपको पैर हटा लो, हाथ छोड़ देना अपने पास। विश्वास कर, धोखा हमारे साथ हुआ है, प्लीज हमसे विश्वास कर, हम हैं तेरी संतोषी। जी हाँ, मसाला है, सस्पेंस है, क्या धैर्य किससे प्यार करता है, सिंदूरी की आत्मा से प्यार करता है या संतोषी के फेस से प्यार करता है, वो डिलेमा चल रहा है। तो ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा एक सस्पेंस काइंड ऑफ माहौल है कि फाइनली जब धैर्य को अगर सच पता चलेगा कि ये लड़की एक्चुअली तो धैर्य ने तो फेस से प्यार नहीं किया था, आत्मा से प्यार किया था, तो किसको चूज़ करेगा? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैंने तो बस ठान लिया कि बस अब तो मैं धैर्य को पा कर ही रहूंगी, भले जितने बार मुझे धक्का देके घर से निकाले मैं फिर आ जाती हूँ।